साहिल कहता है शबे बरात का रोज़ा रखना ज़रूरी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखा या नहीं, कुरान और हदीस की रोशनी में जवाब दीजिए। शबे बरात 15 शाबान रात को इबादत करना, सुबह को रोज़ा रखना, ये अमल किसी सही हदीस से साबित नहीं है। इस बारे में जितनी रिवायात आती हैं वो सेहत के मकाम को नहीं पहुंचती। किसी एक सही हदीस से 15 शाबान को रोज़ा रखना और उस रात को इबादत करना साबित नहीं। किसी के दिल में आ सकता है कि साबित नहीं तो कोई हर्ज नहीं है, तो काम अच्छा, काम तो सवाब का है, रोज़ा ही रख रहे हैं। इस्लाम एक मुकम्मल दीन है, इसके अंदर किसी इजाफे और कमी की इजाज़त नहीं है। अगर ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अमल साबित होता, सही हदीस के ज़रिए हम तक पहुंचता, तो हम इस पर अमल करते। और प्यारे हबीब अलैहि सलातु वस्सलाम से साबित ना हो और इंसान कोई ऐसा अमल करे जिसको बाइस अजर व सवाब समझे, तो वो ये अकीदा रख रहा है, ज़ुबान से नहीं अपने अमल से कह रहा है कि काम अच्छा था, नऊज़ु बिल्लाह, या तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भूल गए बताना उम्मत को या आपने छुपा लिया। और ऐसा कहने वाला, अकीदा रखने वाला गुमराह इंसान है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन इस्लाम की एक एक बात पहुंचाई है। ये अमल हमारे मुल्कों में बड़े ज़ोर शोर से होता है, हलवे भी पकते हैं, खाने भी चलते हैं, किसी दौर में पटाखे भी बजा करते थे, सारी सारी रात नौजवान बारूद लेकर और पोटास लेकर गलियों के अंदर पटाखे मारते हुए। जी शाबान का महीना है, उसकी खुशी है। दीन इस्लाम अल्लाह की दी हुई, भेजी हुई एक ऐसी ज़िंदगी गुजारने के लिए रहनुमा शरीयत है जिसके अंदर अब कोई इजाफा नहीं हो सकता, और ये अमल इजाफा है। अगरचे अच्छा है, कोई ये कहे कि अच्छा है रोज़ा रखना, बुरी बात तो नहीं, हम भी कहेंगे अच्छा है, लेकिन ये इस्लाम और दीन तब बनता जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करके दिखाते और प्यारे हबीब के प्यारे अस्हाब उस पर अमल करते। जब ये अमल ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है किसी सही हदीस से और ना आपके प्यारे अस्हाब से साबित है, आपकी नज़र में कितना ही अच्छा हो। इसकी मिसाल बिल्कुल यूँ है, कोई एक रकत में दो की बजाय तीन सजदे शुरू कर दे, वो तीसरा सजदा उसे हलाक करेगा। वो कहे मैं काम तो अच्छा कर रहा हूं, तस्बीहात अल्लाह का नाम जिक्र ज्यादा ही किया ना, कम तो नहीं किया, हम कहेंगे कि आपने दीन इस्लाम में इजाफा किया है। तो वो अमल कीजिए जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से साबित हो, और जो अमल प्यारे हबीब की सुन्नत से साबित नहीं, उस अमल को अजर न समझिए, दीन न समझिए। और उस सहाबी के वाक़े को हमेशा अपने सामने रखिए जिसने एक साल रोज़े रखे थे और एक साल जाकर रातों को इबादत की थी, और प्यारे हबीब अलैहि सलातु वस्सलाम ने जब उनसे पूछा और जवाब में कहा कि तेरा अल्लाह ने ना कोई रोज़ा कबूल किया है ना कोई तहज्जुद की नमाज कबूल की है। करने वाला आम आदमी नहीं, सहाबी रसूल। प्यारे हबीब ने फरमाया कुछ भी कबूल नहीं हुआ, ना रोज़ा ना तहज्जुद। क्यों? तेरे इस अमल पे मुहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहर नहीं, जो चीज़ नबी से साबित नहीं वो बाइस अजर व सवाब नहीं है।